हेलो जैन फ्रेंड, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0 2.0। आज के इस वीडियो में थोड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वहाँ पर कौन किस में क्या प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ पर हमारे पास तीन कैटेगरी है। जैसे यदि ऑक्सीजन सिलेंडर को पर्वतारोही ले जाते हैं तब उनके जो सिलेंडर होता है उसमें O2 ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों का मिश्रण होता है, ठीक। दूसरी बात, जब गोताखोर लेके जाते हैं समुद्र में तब उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली ये 300 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, तब उसमें ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस भरा रहता है उनके सिलेंडर में। और जब ये इसी सिलेंडर को गोताखोर ही लेके जाते हैं समुद्र में 300 फीट से ज़्यादा गहराई में जाते हैं तब उनके सिलेंडर में O2 और हीलियम, ठीक ना, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस भर दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, जैसे कहने का मतलब O2 गैस और हीलियम गैस, इन गैसों को भरा जाता है, ठीक ना। और जो आप जब तैरते होंगे समुद्र में देखे होंगे मूवी वगैरह में कि जब ये तैरते हैं तो बुलबुले आते हैं, और जो बुलबुले आते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक ना, वो बुलबुले इस गैसों के ही होते हैं, ठीक ना। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।